हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एज ऑन फॉर स्मार्ट एंसर। सो गाइज, आज के स्टूडियो में बात करेंगे एलएमआरसी जेई 2019 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि सिविल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच का आज कट ऑफ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बात कर लेंगे हम लोग साथ ही साथ कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना चाहिए, कितना मार्क्स चाहिए कि आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओ इस एग्ज़ाम को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को अभी से लाइक कर देना, ज़्यादा से शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो चलिए आज की वीडियो गाइज शुरू करते हैं। सो गाइज़, अगर बात करें यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो कुछ नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, लाइक जैसा कि आपका अपेयर कितने हुए स्टूडेंट एग्ज़ाम में, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, एग्ज़ाम लेवल क्या है, स्टूडेंट के अटैम्प्ट क्या हैं। तो इस कुछ नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पे आपके यहाँ पर कट ऑफ डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिविल ब्रांच की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सो गाइज, सबसे पहले कुछ प्रीवियस ईयर के डाटा जो मेरे पास है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो 2018 की बात करें तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, अगर मैं जनरल की बात करूँ कि जनरल कितनी कट ऑफ गई थी, तो 92.39 आपकी यहाँ पर जनरल की कट ऑफ गई थी, ठीक है, प्रीवियस ईयर में अगर बात की जाए तो। अब यहाँ पर बात की जाए कि नंबर ऑफ सीट्स कितने थे प्रीवियस ईयर में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 31 सीट थी यहाँ पर सिविल ब्रांच के लिए अगर प्रीवियस ईयर में बात की जाए तो। एग्ज़ाम लेवल की बात की जाए तो टफ सीट था आपका, बिल्कुल टफ था। पिछले ईयर की बात करें तो एग्ज़ाम बिल्कुल भी टफ था, इस साल का तो ईजी टू मॉडरेट। अगर एग्ज़ाम लेवल की बात की तो आप ईजी टू मॉडरेट मान सकते हो कि इस साल की एग्ज़ाम लेवल थी, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करके यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं सिविल ब्रांच के लिए, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं सिविल ब्रांच के लिए। सो गाइज, ये देख सकते हो, ये है नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर सिविल ब्रांच, ठीक है। अभी सिर्फ सिविल ब्रांच की बात हो रही है, तो ये देख सकते हो कैटेगरीज वाइज यहाँ पर वैकेंसी मेंशन की गई है, ओके। तो यहाँ पर आपका एग्जाम लेवल था इजी टू मॉडरेट, कुछ नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हो, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिविल ब्रांच की थी वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो इतने सारे एनालिसिस के बेसिस पर अगर बात करके इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी आपकी सिविल ब्रांच की, तो सो गाइस, अगर 2018 में बात करें तो 92 आपकी कट ऑफ गई थी जनरल की। इस साल कट ऑफ इंक्रीज़ होने के चांसेस है, बिकॉज एग्ज़ाम लेवल ईजी है और कंपटीशन लेवल भी हाई है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी अगर सिविल ब्रांच के लिए बात कर ली जाए, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यूआर की बात करना चाहूँगा। अगर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 105 से लेकर आप 110 यानी कि 110 कट ऑफ मान सकते हो। इसके बीच में आपकी यहाँ पर मार्क्स वेरी करने वाली है अगर यहाँ पर सिविल ब्रांच की बात की जाए यूआर कैंडिडेट की। तो फिर ओबीसी आती है, तो ओबीसी की आप मान सकते हो 92 से लेकर 104 तक आपकी मान सकते हो कि इस साल की कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। इस साल का एग्ज़ाम भी ईजी है, ओके। अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की भी बात कर लेते हैं, ईडब्ल्यूएस का मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन बात कर लेते हैं। तो उसकी बात की जाए तो आप मान सकते हो 100 से लेकर 105 के बीच आपकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी। दोनों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आसपास ही रहती है, ठीक है। उसके बाद बात कर लें अगर एससी की, कि एससी की कट ऑफ क्या होगी, तो 95 से लेकर आप 90 के बीच एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस साल की इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद एसटी की बात करें तो 80 से लेकर 85 के बीच आपकी कट ऑफ वैरी करने वाले, इस साल की कट ऑफ की बात की जाए तो ये आपकी एसटी की हो गई, ये है आपका सिविल ब्रांच का कट ऑफ। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की क्या कट ऑफ रहेगी इस साल की। सो गाइस, अगर बात कर ले यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर सिविल ब्रांच का एनालिसिस किया, वैसे अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर की यूआर की जो कट ऑफ थी वो आपकी गई थी 92.391 गई थी, ठीक है। ये आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है अगर जनरल की बात करें तो। एग्ज़ाम लेवल की बात करें प्रीवियस ईयर में काफ़ी टफ था, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर सिविल का टफ माना गया था उसी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का भी टफ माना जा रहा था। उसके बाद अगर इस साल की एग्ज़ाम लेवल की बात की तो बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के भी पेपर थी इस साल की, ठीक है, जेई के। तो इन सारे बेसिस पर अगर बात की जाए कि इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी आपकी 2019 की, तो यूआर की सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है, जिनकी कट ऑफ इस साल वैरी करने वाली आप मान के चल सकते हो 118 से लेकर 118 से लेकर 122 के बीच में आपकी मार्क्स वैरी करने वाली है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की बात करें, ओबीसी की क्या होगी, तो ओबीसी को आप रख सकते हो लाइक 108 से लेकर 112 तो आपके यहाँ पर मार्क्स वैरी करने वाली है। ओबीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ये कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहेगी जो ऑफिशियल कट ऑफ आएगी उसके साथ, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद एससी की बात कर ले, एससी की क्या कट ऑफ रहने वाली, तो एससी की आप मान सकते हो 103 से लेकर 106 के बीच में वैरी करने वाली है, ठीक है। 103 से लेकर आप मान सकते हो 106 के बीच वैरी करने वाली है। फिर एसटी की बात कर ले, 92 से लेकर आप मान सकते हो कि 100 तक आपकी वैरी करेगी, ठीक है, 100 तक आपकी वैरी करेगी 92 से लेकर। अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर ले, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी वो यहाँ पर आप मान सकते हो 110 से लेकर
15 के बीच आपकी EWS की कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। यह है एक्सपेक्टेड कट ऑफ LMRC का जो एग्जाम हुआ JEE की अगर बात करें तो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे, अच्छी तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, जैसे शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पे पहली बार आया तो, और जरूर से इस वीडियो को शेयर कर देना। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लाइक जॉब अपडेट भी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।